की जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, खबर दतिया जिले के इंद्रगढ़ से, जहां पर सेवड़ा SDM राकेश परमार की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको इंद्रगढ़ की दिखाई जा रही है, जहां पर सेवड़ा SDM राकेश सिंह परमार की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अधिकारी राघवेंद्र पालिया एवं इंद्रगढ़ थाना प्रभारी सिसोदिया के नेतृत्व में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर इंद्रगढ़ की, जहां पर मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या बात हो गई भैया? शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये मुख्य मार्ग था, जिसपे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसमें इमरजेंसी वाहन फायर ब्रिगेड से लगाकर एम्बुलेंस वगैरह जाने में बहुत ही दिक्कत आती थी। इसलिए नगरपालिका CMO को निर्देशित किया, उन्होंने ज़मीन चिन्हांकित करी और कुछ लोगों ने स्वप्रेरणा से अपने अतिक्रमण हटाए, और जिन लोगों ने नहीं हटाए थे उनके हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और जगह भी जो शासकीय ज़मीन है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उन पर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। ये 27.5 फीट किया है दोनों साइड, 27.5 फीट की है। और भी जो शासकीय ज़मीन होगी उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा, लगातार चलेगा, और जगह चिन्हांकित की जाएगी, और शहर में और भी जगह की खबरें शिकायतें प्राप्त हो रही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, शासकीय जहाँ शासकीय ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने सिंडिकेट तरीके से यदि उस पर अतिक्रमण करा है या उसको अपने कब्जे में रखा है, उसको मुक्त कराया जाएगा। पुलिस की भूमिका यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना होने ऐसी व्यवस्था देखना है, इसमें हम SDM साहब के आदेशानुसार यहाँ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी। थैंक यू।